एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए दोस्तों, अब हम जो हमने नेट की साड़ी से जो लांचा कटिंग किया है और जो इसकी ये कलियां हैं इनको हम जॉइंट करते हैं। ये हमारे अस्तर की कलियां हैं और ये हमारी ऑन साइड की कलियां हैं। तो सबसे पहले हम ऑन साइड की जो ये कलियां हैं हमारी, इनको जॉइंट करेंगे। ये यहाँ से 2.5 इंच लिए हमने और ये 26 कलियां हैं और इनकी टोटल कमर होंगी 39 इंचेज। आपकी कमर कम हो, 32 या 33 हो, तो आप इसको 2 इंच रख सकते हैं। और जो लेंथ है वो है 42 इंचेज। और इस लेंथ के नीचे हम इसमें ये लेस अटैच करेंगे। लेंथ में हम 2 इंच की ये लेस अटैच करेंगे तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी 44 इंचेज। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले जो सीधी सीधी कलियां स्टिच करेंगे, जो 2.5 इंच का पार्ट्स है उसको ऊपर रखेंगे और जो 7 इंच का पार्ट्स है उसको हम नीचे घेर में रखेंगे और सीधी स्टिचिंग करेंगे। जितनी हमारी 36 कलियां हैं उन सबको हम सीधी स्टिचिंग करेंगे। कटिंग की वीडियो, इससे पहली जो वीडियो अपलोड हुई है वो कटिंग की है, आप उसे देखकर कटिंग कर सकते हैं। और बहुत इजी इसकी कटिंग है और स्टिचिंग भी इसकी बहुत इजी होगी। सबसे पहले हम 26 कलियां ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद ये अस्तर की कलियां ज्वाइंट करेंगे। अस्तर की कलियों को हमने 40 इंचेस रखा है। जैसे इसकी लेंथ 42 है तो अस्तर की लेंथ आप 40 रखिए, 38 रखिए। 2-3 इंच छोटी अस्तर होनी चाहिए हमारी। और जो हमारा मेन पार्ट्स होता है ओन साइड का कपड़ा, ये इससे अस्तर का पार्ट छोटा होना चाहिए। जैसे हमने ये 2 कलियां ज्वाइंट किए हैं वैसे ही हम 1 कली इस तरफ से और फिर ये 1 कली इस तरफ से ज्वाइंट करते जाएंगे। और ये पूरी जो है 26 कलियां इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाएगी। और ये देखिए, 1-1 कली के पास में हमने 1-1 कली को स्टिच कर लिया है। ये हमारा नेट का कपड़ा है, ये कमर की साइड है और वो नीचे घेर का साइड है। ये 7 इंच की यहाँ से स्पेस कलियाँ हैं और यहाँ से जो कलियाँ थी वो हमने 2.5 इंच की कटिंग की थी, ये 1.5 इंच की बची हैं। आधा आधा इंच साइड से चली गई है दोनों साइडों में और 1.5 इंच की ये कलियाँ बच जाती है। तो ये देखिए, बहुत लंबा चौड़ा इसका घेर भी बन जाता है और ये नेट की जो कलियाँ वो तैयार हो चुकी है 1-1 स्टिच हो करके। आप देखिए, ये जो अस्तर की कलियाँ हैं इनको हम ज्वाइंट करेंगे। जैसे हमने नेट की कलियाँ ज्वाइंट की हैं वैसे ही हम अस्तर की कलियाँ भी ज्वाइंट करेंगे। और देखिए, नेट का जो लेंथ है हमारे पास 42 है और ये जो अस्तर की लेंथ हमने ली है वो आपको बता देते हैं। हमने इनकी लेंथ 40 ली है, 2 इंच कम ली है और इसको हम नीचे से 1/2 इंच की मोड़ाई भी देंगे। और जितनी टोटल कलियां, देखिए सीधी सिलाई, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे हमने ये जॉइंट किए हुए हैं 1 कली के पास में, इसी प्रकार से ये कलियां सारी जॉइंट करते जाएंगे। सारी जो कलियां स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाएं। तो ये हमने नेट का जो लांचे का अस्तर है वो भी पूरा स्टिच कर लिया है, जो कलियां हैं उनको लंबी लंबी सिलाई लगा करके। ये देखिए, ये कमर का पार्ट्स है, हमारे अस्तर का पार्ट्स है, उसकी हम मोड़ाई कर लेंगे पहले ही। नीचे से जो हमारा घेर है उसकी हम मोड़ाई कर लेंगे। सिर्फ अस्तर अस्तर पार्ट की मोड़ाई करेंगे। और ये अस्तर की नीचे की साइड को फोल्डिंग कर लिया है। और अब हम नेट की, जो नेट का घेर है नीचे का, इस पे हम लेस लगाएंगे। जो ये नीचे की साइड है इस पे पहले लेस लगाएंगे और इसके बाद दोनों की कमर को जॉइंट करेंगे। ये हमारे पास लेस है और ये हमारी साड़ी से उतारी हुई लेस है।
ये देखिए ये साड़ी से उतारी हुई है और इस स्लीव को हम साथ में ज्वाइंट कर रहे हैं। तो इन दोनों को साथ में ज्वाइंट करके और फिर हम यहाँ नीचे साइड में लगाएंगे इसको। लांचे की पार्ट्स की भी नीचे से मोड़ाई कर लेते हैं और ये मोड़ाई करने के बाद इस लेस को हम अटैच करेंगे। तो आप भी जो नीचे की साइड हो और लेस सिर्फ हम नेट के कपड़े पे ही अटैच करेंगे, अस्तर को अलग रखेंगे। और नीचे की साइड में मोड़ाई हो चुकी है और अब यहीं से हम देखिए फोल्ड करेंगे इसको और जो नीचे है ये यहाँ लगाना हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 इंच हमें लेंथ इसकी बढ़ानी है क्योंकि हमने इसकी लेंथ 42 ली है। तो ये जो लेस का जो बीच का पार्ट्स है इसको हम यहाँ जॉइंट करेंगे। लेस को बस सिर्फ अटैच करना है, एक बीच की सिलाई है और एक ये ऊपर की सिलाई है। 2 सिलाई आते ही हमारी लांचे पे ये लेस अटैच हो जाएगी और ये 44 इंचेस लांचा है जो ऊपर से कमर से नेफा लगाने के बाद तैयार हो जाएगा। एक साइड की हमने लेस पूरी अटैच कर ली है और ऊपर की साइड में इसी प्रकार से हम फिर इसको स्टिच करेंगे और ये यहाँ से स्टिच होगी और लेस के चारों ओर वैसे ही हम। और सिंगल कपड़े में आप जो हमारा नेट का ऊपर का कपड़ा हो उसी में आप चाहे जितनी इतनी चौड़ी तक आप लेस लगा सकते हैं नीचे के पार्ट्स में और ये बहुत सुंदर लगती है। हमारे पास ये साड़ी की लेस थी और इसमें हमने ये लेस अटैच की है और आप इसमें और भी लेसें अटैच कर सकते हैं या फिर रेडीमेड लेस आती है इतनी चौड़ी वो आप लगा सकते हैं। लेस के पार्ट्स को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें और जो नीचे का जो पार्ट्स है ये देखिए ये जो लेस का पार्ट इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ करके और स्टिचिंग करेंगे ताकि झोल नहीं आएगा इस प्रकार से। और ये बराबर में ऐसे अटैच करते जाइए, पार्ट्स में बिल्कुल भी छेद नहीं रहने चाहिए, बस इसको ऐसे खींच लें और इस पार्ट को ऐसे ढीला छोड़ लें। बराबर में ये अटैच हो जाती है, अटैच होने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और लेस को हमने नीचे की साइड में पूरा अटैच कर लिया है और ये हमारा नीचे का पार्ट्स बिल्कुल तैयार है। अब इस पार्ट्स की ये जो कमर है और इस पार्ट्स की ये जो कमर है इसको हम ऐसे अटैच करेंगे और ये यहाँ से ऑन साइड और ये इस तरफ से ऑन साइड रहेगा। और चाहे तो इधर की इधर बराबर यहाँ बराबर है और ये यहाँ बराबर है और ये टोटल बराबर हो तो आप इसको जो ऊपर की पट्टी हो साथ ये देखिए ये पूरा बराबर है और इसको हम जो ऊपर की पट्टी साथ में अटैच कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये लेस है और ये लेस हम ऊपर की पट्टी के लिए अटैच करेंगे। तो इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। स्टार्ट की पट्टी को हम यहाँ से इतना सा मोड़ेंगे, इस पर आप चैन भी लगा सकते हैं और इसको आप ओपन भी रख सकते हो या इसको आप हुक भी लगा सकते हो। तो जो भी चाहे आप इस पट्टी पे लगा सकते हो। अब ये यहाँ पे हम नेफा इसका जॉइंट करेंगे, लेस का अस्तर की साइड से जॉइंट करेंगे और ऊपर की साइड में हम इसको फोल्ड कर देंगे। दोनों पार्ट्स बराबर रखें, सीधा स्टिच करना है। फिर जो लास्ट का है यहाँ पे भी इस प्रकार से फोल्ड करके रख लें और यहाँ जितनी हमारी लेस आती है इसके बाद जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लेस है इसको हम ऐसे कट करेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये लास्ट तक यहाँ तक हमारी ये लेस आ जाएंगी, यहाँ तक स्टिच कर लें। एक साइड में लग चुका है ये नेफा और बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा
दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसको आप हल्का सा स्टिच कर ले पहले जो ओपन है, ताकि ये ओपन ना रहे। इसको डबल फोल्ड करने के बाद अब इसको ऊपर करेंगे और सीधा इस पे ऐसे स्टिच करेंगे, तो ये हमारा लेश का नेफा तैयार हो जाएगा। देखिए इसको ऊपर के साइड में, ऑन साइड में, और अब स्टिच करना बहुत ही सुंदर लग जाता है और बहुत अच्छा भी रहता है। और ये नेफा भी लग करके तैयार है। अब हम जो इसकी साइड की स्टिचिंग है वो करेंगे। देखिए इसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको कटिंग करके फिनिश कर लें। जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं इनको आप कट करके और फिनिश कर लें। जितना आप खुला रखना चाहें और उतनी दूर तक इस प्रकार से मोड़ लें दोनों साइडें। और इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे, यहाँ तक इतना खुला रखेंगे, इसके बाद जो है दोनों पार्ट स्टिच करेंगे। और ये हमारी इसकी साइड की सिलाई, देखिए ये अस्तर साथ में स्टिच होगा और ये नीचे वाला पार्ट और ये नीचे वाला अस्तर, तो ये अस्तर के पार्ट्स इतने छोटे रहेंगे और ये जो है बराबर में, और यहाँ तक इसकी स्टिचिंग होगी इतना, और इतना सा पार्ट हम इसका खुला रखेंगे। ये हमारी साइड की सिलाई है और लास्ट की और सीधी सिलाई है डायरेक्ट। इसके स्टिच होने के बाद ये हमारा लांचा तैयार है। यहां तक हम इसको स्टिच करेंगे। यहां तक पक्के कर लिए इसको, ऊपर से जहां हमने इसको मोड़ाई की हुई है इसको हम पक्का कर देंगे, यहां से फिनिश दे लेंगे। हाँ ऐसे चलेंगे, इसको इस प्रकार से मोड़ते जाएंगे। इस राउंड में घुमा के इसको इस प्रकार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये हमारी स्टिचिंग पूरी हो गई है, देखिए फिनिश के साथ। तो आपको हमारा ये लांचा कैसे लगा, और इस प्रकार आप इजीली से घर पे साड़ी से लांचा बना सकती हैं और अपने घर पे पहन सकती हैं। और ये ज़्यादा साड़ी भी कोस्टली नहीं आती है, तो इसको हम इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। बस इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो तो बहुत है ही, बाकी इसमें बहुत सारा सब कुछ है जो इजी है। थैंक यू।